स्टीम्ड डंपलिंग्स। हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम रेंज शुरू कर रहे हैं और वो है डंपलिंग्स। ये देखिए छोटी छोटी सी डिस्क हमने बना के पहले थोड़ी सी रख ली है। जिनके पास स्टीमर है उसके तरीके से बनाने का आपको तरीका बता दें कि ये डंपलिंग बनते कैसे। अच्छा जी यहाँ पे आ जाते हैं इसकी फिलिंग। ये आ गया इसमें कीमा, हरा प्याज और अदरक लहसुन इसमें एक चाय का चम्मच है, बहुत थोड़ी इस्तेमाल करनी है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है और कच्चा है चूँकि, और स्टीम में पकेगा तो और ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। सो मेक श्योर कि बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करें एक चाय के चम्मच, नमक थोड़ा सा और सोया सॉस अगर डार्क है जो मेरे पास है ये एक टीस्पून, ये देखिए बस। इससे ज़्यादा ओह ये ज़्यादा गिर गया, एनीवेज नहीं सही। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अच्छा भैया आपने एक रोटी ली, थोड़ा सा इस पर मैदा अगर है तो झाड़ लें। इसके बाद ये मिक्स हमारे पास पड़ा हुआ है और एक टीस्पून मैं ले लेता हूँ और इसके बाद इसकी फिलिंग बनाते हैं। अच्छा इसको जो डंपलिंग हम बना रहे हैं इसकी मुख्तलिफ शेप्स आती है, फ़िलहाल हम बिल्कुल बेसिक वाली पे आ रहे हैं। ये आ गई इसके अंदर फिलिंग, और फिलिंग कोशिश करें बहुत ज़्यादा ना हो क्वांटिटी, क्योंकि इसको हमने बंद भी करना है। तो एक टीस्पून से डेढ़ टीस्पून इसमें आएगा। उसके बाद ये आपने रखा, इसको आपने इस तरह किया और इसके बाद ये देखिए इसके मुख्तलिफ तरीके हैं बनाने के, इसको बंद करने के। ये बिल्कुल बेसिक तरीका जो अमूमन आप देखेंगे जितनी डंपलिंग्स होती हैं मोस्टली इस शेप में होती हैं। ये देखिए बस एक एक करके रोटी ली और इसको कोशिश करना है जहाँ पे ये जो हमने इसको ऊपर से बंद किया है ये अपने नाखून से अच्छी तरीके से बंद करने लगा, क्योंकि स्टीमिंग के दौरान ये खुल जाता है। दोबारा फिर आपको दिखाते हैं। एक ये रोटी ली, इसके अंदर फिलिंग रखी, और फिलिंग जहन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इसको फिल नहीं करना है अदरवाइज ये बंद ही नहीं हो पाएगा। इसके बाद इसको इधर किया और फिर आपने सिंपली, और जो इसको हम बंद कर रहे हैं जहन में रखिएगा थोड़ा सख्त बंद करेंगे ताकि ये स्टीमिंग के दौरान खुले नहीं। हम इसकी डिपिंग सॉस की तरफ आ जाते हैं और डिपिंग सॉस इसका बहुत मज़े का। सो ये आ गया नींबू का रस, ये आ गया इसमें लहसुन और सॉरी हरी मिर्च, ये इसमें नमक थोड़ा सा आ गया, अदरक आ गया, लहसुन आ गया, सोया सॉस आ गया। अच्छा ये सोया सॉस मेरे पास गाढ़ा आया हुआ है और यहाँ ये चलें बस ये आ गया। साथ में इसमें हमने पानी शामिल करना है एक कप और दैट्स इट, ये हमारा डिपिंग सॉस भी हो गया तैयार। बस चलिए इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। डंपलिंग अभी हम और बनाएंगे। उसके बाद ये स्टीमर आ गया। अच्छा स्टीमर में जब भी इसको रखेंगे मेक श्योर कि इसको आपने थोड़ा सा ऑयल से ब्रश करना है, ये ब्रश करना बहुत ज़रूरी है ऑयल का, ये बिल्कुल ना भूलिएगा। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको हमने ये ऑयल लगाया। ये आ गई हमारी डंपलिंग्स, एक एक करके आराम से इसको रखते जाएंगे बस, और 10 मिनट कुकिंग टाइम। हमारा डंपलिंग डिपिंग सॉस भी रेडी और कुकिंग टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया 10 मिनट है कुकिंग टाइम इसका। अच्छा जब भी इसको आप रखेंगे तो स्टीमर बंद कर देंगे, ये बहुत स्टीम निकलती है, हाथ जलने के 100% चांसेस हैं। ये कवर किया, ये डंपलिंग हमारे हो गए रेडी। इसका मैंने ढक्कन हटा दिया। अच्छा इसको अभी फौरी तौर पर हम नहीं उठाएंगे, बड़े नाजुक होते हैं। स्टीम्ड डंपलिंग्स। अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक एक चाय का चमचा, फिलिंग के लिए चिकन का कीमा 250 ग्राम, कुटा लहसुन एक चाय का चमचा, अदरक एक चाय का चमचा, नमक एक चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस एक अदद, सोया सॉस डार्क एक खाने का चमचा। डिपिंग सॉस के लिए चॉप लहसुन एक खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक एक खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, नमक एक चाय का चमचा, पानी एक कप। Add some masala to your life.